ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 2 मई के महावाक्य हैं। 2 मई 2020। प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बुद्धि में रहे, ये दुख दर्द जो भी दिख रहा है सब खत्म होना है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हो और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है ना। कितना खुशी हो, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ेंगे यहाँ और प्राप्ति होगी नई दुनिया में। यहाँ जो आत्मा को सुख मिलेगा, और सतयुग में जाएंगे तो तन भी सुख, मन भी सुख, और धन का भी सुख, संबंधों का भी सुख, सारी प्राप्तियां हमें सतयुग की दुनिया में। लेकिन उसकी अनुभूति बाबा संगम युग पर हम सब बच्चों को कराता है। तो कितना खुशी से, प्यार से, उमंग से हमें ये बाबा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला कौन? कौन है दूर देश का रहने वाला? ये तो कोई भी जानते नहीं है। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराए देश में आए हैं वह अपने देश में नहीं आते हैं, किसकी बात है? शिव बाबा कह रहे हैं, मैं इस पुरानी दुनिया में आया हूँ तुम बच्चों के लिए। रावण राज्य पराया देश है ना, क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? वंडरफुल बात है ना। और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया देश कौन सा है? तो बाबा कैसे बच्चों को प्यार से पढ़ाते। फिर बाप आते हैं पराए देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दूसरे ने सुनाया उसके बारे में। हाँ, आप सब भी विचार सागर मंथन करना कि पराया देश कौन सा है, रावण का पराया देश कौन सा है, और शिव बाबा का अपना देश कौन सा है। तो हम बच्चों को बाबा ने बताया ना कि शिव बाबा परम धाम का वासी। हाँ, उनका पराया देश ये रावण राज्य, और रावण का पराया देश सतयुग है ना। तो बाबा कह रहे, अच्छा, इस सब पर सब विचार सागर मंथन करना, ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना तो बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं, बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। वंडरफुल बात। परमात्मा राम रावण के देश में आते हैं, लेकिन रावण को राम के राज्य में जाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि रावण राज्य को शिव बाबा को आके चेंज करना है, इसलिए शिव बाबा को पराए देश में आना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते हैं, कलयुग में भी नहीं आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? इस संगम युग पर। तो यह राम का देश भी है, रावण का भी देश है। इसी के गायन है, कहते राम और रावण का युद्ध हुआ, बाकी राम राज्य में युद्ध होने की बात ही नहीं है। तो परमात्मा राम, इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का, संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो, अपने को संगम पर समझना चाहिए। समय को हम समझते हैं ना, कौन सा समय चल रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। हम देखते हैं, अरे सूरज निकल आया, तो फटाफट उठते हैं, आलस भी छूट जाता है। तो वैसी बाबा कहती, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आया हुआ है हम आत्माओं की ज्योति जगाने,
हमें फिर से अज्ञानता की नींद से जगाने। तो बाबा कह रहे हैं सोचो हम कहाँ पर खड़े हैं, अपने को संगम पर समझना चाहिए, हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, रहते तो यहाँ ही हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं कैसे, योग बल से। बाबा भी योग के बल से उस दुनिया में हम बच्चों को ले चल रहे हैं पार। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, शिव बाबा को याद करना तो उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए ना, और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो ना। योग लगाने की, शिव बाबा को याद करने की पहली सीढ़ी ही है, पहले अपने आप को आत्मा समझो, फिर शिव बाबा को याद करो। ये भी ज्ञान है, ज्ञान अर्थात समझानी। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं, अभी यह रावण राज्य खत्म होना है, यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध, बंधन दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है, बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे, है ना। सतयुग के 8 जन्म 12 जन्म त्रेता युग के। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी छी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानी करते हैं, है ना। बाबा उस दुनिया से हम बच्चों को बुद्धियों हटवा रहा है कि इस दुनिया के कर्म बंधन में अब नहीं रहना है। बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, यह बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने, पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था, ये ड्रामा है ना। जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही फिर से पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, है ना। सारी दुनिया थोड़े सतयुग में आएगी, जो पढ़ेंगे वो सतयुग में आएंगे, बाकी सब कहाँ फिर जाएंगे, वापस अपने घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे, परंतु हम जो पढ़ाई पढ़ते संगम युग पर, उसकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात, दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर है, तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश और वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार ही नहीं है। क्या बाबा ने कहा, सतयुग में जो शिव बाबा का रचा हुआ देश है, वहाँ शिव बाबा को आने की आवश्यकता नहीं होती है, वह देश बच्चों के लिए है। वहाँ सतयुग में रावण का आना ही नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है, फिर कब आएगा, द्वापर युग से, है ना। जब हम दे अभिमान में आते हैं तो वहाँ रावण का राज्य शुरू हो जाता है, तो फिर बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं है,
तो याद भी क्यों करेंगे, है ना। सत्युग और शिव बाबा को जानते ही नहीं हैं, बस आत्मिक स्मृति में रहेंगे इसलिए शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है, इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी तो सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो ना, पंडा माने रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता देखो, एक गाइड दिखाता है, एक पंडा दिखाता है। पंडे भक्ति के स्थान पर होते, तीर्थ यात्राओं पे जब जाते वहाँ मिलते हैं, और गाइड टूरिस्ट प्लेस पर होते हैं। तो हमारा सच्चा सच्चा महातीर्थ परम धाम, तो वहाँ का रास्ता दिखाने वाला शिव बाबा। तो बाबा कह रहे, तुम बच्चे भी सबको रास्ता बताते हो, तो तुम भी क्या हो गए, पंडे। तो ये है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य ना कौरवों का था ना पांडवों को है, दोनों को ताज नहीं है, है ना। भगवान से विपरीत बुद्धि वालों को भी ताज नहीं, भगवान से प्रीत बुद्धि वालों को भी अभी संगम युग पर ताज नहीं है, वो सतयुग में मिलेगा। इसलिए कभी पांडवों को दिखाया नहीं कि राज्य किया उन्होंने। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों को ही ताज नहीं है, भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है, अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज तो नहीं दे सकते हैं, और पांडवों को भी लाइट का नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों की अवस्था रोज अप डाउन होती रहती, तो आखिर ताज देवे भी तो किसको देवे। इसलिए ये सब निशानी फिर विष्णु को दे दी है, क्योंकि वह पवित्र हैं। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है, सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित पुरी, पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ कौन, शंकर को कहा, कहते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। यूं तो वो कोई विनाश कराते नहीं है, जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनाते हैं, जो कहानियां शास्त्रों में दी हैं। तो मूसल अर्थात एटम बम मिसाइल्स की बात कही बाबा ने, तो ये सब कहानियां बैठकर बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है, मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे, है ना, देख करके एकदम कहते शौक हो गए, उसमें उन्होंने प्राण त्याग दी। बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं है। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। बाबा कह रहे पुरुषार्थ करने का ये लास्ट चांस है, देरी अगर की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। विचार करो कि समय कौन सा चल रहा है, अचानक बैठे बैठे देखो मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा कर लो, अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाबा कहते बच्चे घर को याद करो, इससे अंत मति सो गति हो जाएगी, तुम घर चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा परंतु सिर्फ घर को अगर याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे,
बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे, क्योंकि पाप नाश करने वाला पतित पावन शिव बाबा है, ना कि घर। तो तुम बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वो भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, है ना। बाबा कहते गार्डन में जाते हो, ऊपर छत पे जाओ, हाँ सुबह सुबह खाली है तो अपने जाके बैठ के बाबा को याद करो। दुकान में बैठे कोई कस्टमर नहीं आया, बैठ के शिव बाबा को याद करो, अंदर में नोट रहेगा, अगर लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, है ना। बाबा कह रहे वो डायरी रखनी पड़े। मूल बात ये है कि तुम्हें याद करना है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपके हैं और सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए। अब हमें नॉलेज मिली ना कि हम भगवान को भूले कैसे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए। अभी आपने बताया है तो फिर हम देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, देही अभिमानी माना सोल कॉन्शियस, ना शरीर हमारा रथ आत्मा रथी, ऐसे शरीर हमारा देह उसमें आत्मा देही बैठी है। तो वहाँ खुशी से सतयुग में बाबा कह रहे शरीर छोड़ कर दूसरा लेते थे, तो तुम बच्चों को ये सब धारणा करके फिर समझाने लायक बनना है। ये सब बातें पहले समझो, खुद में धारण करो, वो खुशी आए, फिर बाबा कह रहे दूसरों को समझाएंगे तो बहुतों का फिर कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल हम बच्चे बन रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला ये तो सहज है ना, किसको भी बोलो। तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, या तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं, है ना। बाबा कह रहे पहले खुद अच्छी तरह बुद्धि में पक्का हो, निश्चय हो, तब किसको समझाएंगे तो ज्ञान का तीर लगेगा। और कोई ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको बाबा कह रहे तीर नहीं लगेगा। भगवान का रूप जानना तो पड़े ना, शिव बाबा का रूप कैसा है। बाबा ने खुद अपना परिचय दिया, खुद अपनी पहचान दिया कि मैं भी तुम बच्चों की तरह ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और गुणों में सिंधु स्वरूप हूँ। ये सब नाटक ड्रामा के अनुसार बाबा करे सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली करके भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं और तुम बच्चे ये शरीर रूपी कपड़ा बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, नहीं होता कई मेल है तो फीमेल की ड्रेस पहन लिया थोड़ी देर के लिए, उन्होंने उसका रोल कर लिया, और लड़की है तो उसने कोई लड़के का देखो ड्रेस पहन के वो रोल कर लिया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए। और यहाँ तो मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेगा, है नहीं। फीमेल का लिया तो सारी आयु जब तक आत्मा बैठी उस शरीर में तब तक तो वो फीमेल का रोल बजाएगी। तो बाबा कह रहे वो हद का ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा। पहली पहली मुख्य बात है बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ,
क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना हमारा योग नहीं लगता, तो बाबा फिर योग अक्षर काम में लाओ ही नहीं, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के लोग सिखाते हैं और सीखते भी हैं, वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, तो तुम घर में चले जाएंगे, जहाँ याद करेंगे, जिसको याद करेंगे, अंतमति सोगति वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, अपने घर को याद करो। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारी पवित्र आत्मा उड़ेगी। है खुशी की बात है ना, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होगी, सफाई होगी, तब उसमें उड़ेंगे ना। जैसे कपड़ा भी मैला हो जाता है तो आपने देखा होगा वो कड़क हो जाता है, हार्ड, और जब मैल निकल जाती कितना सॉफ्ट हो जाता है। तो आत्मा की भी मैल निकल जाएगी तो भी सॉफ्ट हो जाएगी, उड़ने लगेगी। तो बाबा कह रहे जितना जितना तुम याद करेंगे ना उतनी सर्विस भी होगी और फिर ऊंच पद भी पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराज पुरी में सजाए भी खानी पड़ेंगी, और जब सजा खाएंगे तो इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी तुमने याद नहीं किया, देखो तुम्हारे पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय कितना अंदर से लगेगा, देखो अपने भगवान की बात को भी नहीं सुना। बाबा कहते पहले ही शिव बाबा बच्चों को इसलिए वार्निंग दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, बच्चे अभी से अपने आप को परिवर्तन करो। उस समय पढ़ाई का फिर टाइम भी नहीं रहेगा, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गंवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो भी नहीं सकता है। ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। उस पढ़ाई में तो ना पास हो फिर पढ़ लेते हैं, और ये पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, जो भी जैसा भी किया उसी से पूरी हो जाएगी। फिर अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए शिव बाबा राय देते हैं, है ना। देखो बाबा बच्चों को आगाह करते, सावधान करते कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। झरमुई झगमुई माना व्यर्थ परपंच की इधर उधर की बातें, उसमें समय अपना बर्बाद नहीं करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टा काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वो भी करा देगी, है ना। कई बार लोग अनुभव सुनाते का पता नहीं हमको क्या हो गया, हम नहीं चाहते थे, हमने किया भी नहीं कभी, हमसे कैसे ही गलत हो गया मालूम नहीं, उनको खुद भी नहीं पता रहता है। तो वास्तव में क्या भगवान की अवज्ञा किया तो माया उल्टा काम करा देती है, पीछे स्मृति आएगी, अरे हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है या रॉन्ग है। बाबा क्या कह रहे हैं भाई, आपको दिल हुई ये चीज मैं उठाऊं चोरी करूं, लेकिन बुद्धि मिली नहीं, ये गलत है, तो ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाऊं तो राइट होगा, तो अब क्या करना चाहिए। मैं उल्टा सीधा खाऊं मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, नहीं खाऊं तो मैं स्वस्थ रहूंगी, अब ये खुद जज करो मुझे क्या करना है। हमने गलत कर लिया और फिर हम कह देखो भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, तो भगवान ने गलत कहाँ किया। भगवान ने हम बच्चों को इस दुनिया में कर्म करने के लिए भेज दिया, फ्री छोड़ा है, बच्चे बुद्धि दे रहा हूँ तुम जज करो राइट क्या है रॉन्ग क्या है, जो तुम्हें रॉन्ग लगता है वो मत करो। और हम कर लेते हैं फिर दुखी होते हैं, तो सारा ब्लेम फिर भगवान को लगाते हैं, भगवान मेरे को बचाता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है। आज दुनिया के दुख दर्द की हम दशा देख रहे हैं तो हर एक को लगता है भगवान कहाँ बैठा है, वो भी नहीं सुन रहा है। तो बाबा कहते वास्तव में मैं सुन रहा हूँ, तभी तो आया हूँ तुम बच्चों के लिए, लेकिन अब मेरी श्रीमत पर चलो, और मैं कहाँ तक भाग भाग के सबके पास जाऊँगा। आप बच्चों को बाबा ने तैयार किया है, अब आप सेवा करो, है
ना, तो हमें खुद के अंदर परिवर्तन करके शक्तिशाली बन के, है ना, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, फिर उन आत्माओं की हमें सेवा करनी। जैसे डॉक्टर साथ जा रहे हैं, पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, तो पहले खुद को सेफ करते हैं, हाँ, ऊपर से नीचे तक अपने आप को पैक कर लेंगे, फिर जाके, ताकि कोई वायरस का असर उनके ऊपर ना हो। तो उसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि तुमको पहले खुद को शिव बाबा की याद से सेफ रखना है अपने आप को, फिर ऐसे पांच विकारों से ग्रसित आत्माओं की सेवा करनी है, ताकि उनका वायरस आपको अटैक ना करे। तो बाबा कह रहे, तुम्हें रॉन्ग राइट की तो समझ मिली है ना, ये चीज़ उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाऊं तो राइट होगा, तो अब क्या करना है, खुद विवेक लगाओ। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर कभी लूज नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे, शिव बाबा की याद की पैकिंग में रहो। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है, और बाबा कहते तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है, फिर लड़ाई चलती है। अब जो जीत गए तो सत्यों में पहुंच जाएंगे, और नहीं जीते तो देखो गिर पड़ते हैं। फिर बाद में राइट बुद्धि आने से फायदा क्या है ना, कई बार आती ही नहीं है, फिर कहेंगे इसकी तो मती मारी गई। हाँ, हमको राइट काम ही करना है, ये अपने आप से खुद प्रण करें कि मुझे राइट काम ही करना है, मेरा कॉन्शियस मुझे बार बार कहता है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, मुझे अंधों की लाठी बनना है। अच्छे तो अच्छा काम करते ही ना, बाबा करे अच्छे से अच्छा काम ये है, जिनको ज्ञान का नेत्र नहीं है उनको जाके बाबा कह रहे हेल्प करना, अंधों की लाठी बनना, यह है सबसे अच्छे से अच्छा काम। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते हैं, तो ये क्या है, ये भी रॉन्ग काम हो जाता है। ऐसे नहीं वही वाले गलत काम है, भगवान को याद नहीं किया जिसने इतना अच्छा मुझे जीवन दिया, ये तो सबसे बड़ा रॉन्ग काम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लथे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरली का फर्स्ट पॉइंट है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, व्यर्थ परपंच की, परचिंतन की, प्रदर्शन की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज सेकेंड पॉइंट है, घर की याद के साथ साथ अपने परम धाम, मीठे घर, स्वीट साइलेंस, घर की याद के साथ साथ बाबा ने कहा शिव बाबा को भी याद करना है। याद के चार्ट की तुम्हें डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे, ये खुद ही खुद से नोट करना और खुद ही उसको सुधार करना है। आज का वरदान है उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूरत भव। स्पष्टीकरण है, उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, बचपन में फ्रॉक पहने ना बड़ी बड़ी घेर वाली, तो
तो बाबा कहते हैं ऐसी अपनी विशाल दिल फ्राक दिल बनानी है, अपने गुण से दूसरों के गुण, दूसरे को भी गुणवान बनाने में सहयोगी बनना है, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना है, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूरत बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना, इसका मतलब समझ में आया, सेवा के आधार मूरत बनना अर्थात बाबा की ईश्वरीय सेवा में हम पिलर हैं, हमें करना है, तो जब अपना इस उस आधार पर हम चलते हैं, उसके आधार स्वरूप बनते हैं कि मुझे सेवा करनी है, तो अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण हो जाता है ना। अब हम दूसरों की सेवा करें, बहुत प्यार से भोजन बना रहे तो अपने आप को भी प्यार से खाना मिल जाएगा, नहीं बनाएंगे तो खुद भी भूखे दूसरे भी भूखे, तो उसी प्रकार से आत्मा के भोजन की बात है ना। बहुत प्यार से हम मुरली का चिंतन करते मंथन करते तो अपने अंदर भी शक्ति आती है, अपने अंदर खुशी आती है, और फिर दूसरों को सुनाया तो उनको भी खुशी और उमंग मिलता है। तो बाबा कह रहे स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है आप और बाप, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई आपको अलग कर ना सके। मैं और मेरा बाबा दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई हमें अलग कर ना सके। ये है हमारा ना स्वयं का पुरुषार्थ, और इसको अपने जीवन में धारण करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।